आप अपना करियर, अपना ब्रांड बना के शुरू करना चाहते हैं, आप एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें आपके ब्रांड से आपकी खुद की पहचान हो, आपका ब्रांड बने, तो ये छोटी सी पूंजी में आप अपना ब्रांड कैसे करें, अब उसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे, उसका पैकिंग मटेरियल कहाँ मिलेगा, तो इस सारी प्रोसीजर को आज हम आपसे 5 से 6 मिनट में शेयर करेंगे। और उम्मीद करते हैं आपने एक 5 से 6 मिनट हमारे साथ शेयर कर लिया तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों आप लोगों को एक ऐसा बिजनेस देने वाले हैं जितनी लागत का 2 गुने पे बिकता है, और इस बिजनेस की शुरुआत आप बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं सत्तू का बिजनेस। सत्तू दोस्तों बहुत बिकता है, शुगर के पेशेंट भी इसको खाते हैं, और दोस्तों इसको बाटी बनाने में भी यूज होता है, इसको आप बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आप सबसे पहले आप अपने मार्केट में जाइए, थोड़ा सर्वे करिए, ये देखिए क्या रेट बिक रहा है, किस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिक रहा है, उसका लाइए, आप खाइए और यूज करिए, उसका स्वाद क्या है, कैसे है, ये आपने सर्वे करके आपके पास ये जानकारी हो गई। अब आपको रेट का पता चल गया क्या हो गया, अब वही मार्केट में आप चले जाइए, ये देखिए थोक में क्या रेट मिल रहा है, आपको थोक में क्या रेट मिल रहा है, आपको थोक का भी नॉलेज हो गया। अब आपको इसको उत्पादन करना है। इसके लिए दोस्तों अगर आप किस सिटी से हैं, आपके यहाँ चना ज़्यादा उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पे भुना चना आपको सस्ता मिल सकता है, आप अदर स्टेट से हैं तो हो सकता है 2-4 रुपए किलो पे महंगा मिल रहा है, तो आप या इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, वहाँ पे थोक थोक विक्रेता होते हैं किराना के, उनके यहाँ से एक बोरा ये दोस्तों 20 किलो के पैकेटिंग में भी मिलता है, 30 किलो के भी पैकेट में मिलता है, तो आप वहाँ से एक बोरा चना खरीदिए। अब इसको आप लाइए, चना दोस्तों अच्छी क्वालिटी का लीजिए। वैसे हम रेट बात कर दें, आपने तो बेसन का रेट ले लिया, क्या रेट बिक रहा है, अब हम चने का रेट बता दें। 21/9/2022 कल का रेट दोस्तों 60 रुपए से लेके 70 रुपए किलो तक की चने की वैरायटियां हैं, उसमें अलग है, तो दोस्तों इसको आपको पिसवाना है तो बहुत 100% होता, 80% होता, 70%, ये परसेंटेज क्या है, 70% का मतलब इसमें 30% ऐसे होंगे जो कम फूटे होंगे, 80% में 20% ऐसे होंगे जो कम भुने होंगे, 80% एकदम पूरा फूटा होगा, और 100% का मतलब इसमें कोई चना मिस नहीं होगा, सब चने बड़े होंगे फूटे के और इसमें वो नहीं मिलेगा, ये हो गया। तो आप कम का दे सकते हैं, तो आप मान लीजिए 60 रुपए किलो का चना लिया, अब आप ला के इसको जो आपके यहाँ जो चक्की है उस चक्की पे पिसा लीजिए, इसको बेसन पिसाना है तो आपने पिसा लिया तो मान लीजिए 5 रुपए किलो पिसाई हो गया, अब आपका हो गया 65 में, आपका 65 रुपए में बेसन रेडी हो गया। अब आपको दोस्तों इस तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेना है, ये वेट मशीन है, ये दोस्तों आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं, इसकी कीमत 1.5 से 2 रुपए है, इसकी और अच्छी वैरायटी आप ले सकते हैं तो इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। अब आप ये लिया, अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में वहीं से, तो दोस्तों आपको क्या लेना है, पैकिंग मटेरियल लेना है, देखिए पाउच इस ढंग से आते हैं, ये दोस्तों सिल्वर कलर इसको कहते हैं, सिल्वर कलर जिप लॉक स्टैंड पाउच, ये दोस्तों ट्रांसपेरेंट होता है, इसमें दोस्तों इस ढंग से आप 1 किलो बेसन इसमें आ जाएगा, इसमें डाल दीजिए और ये दबा दीजिए, लॉक हो जाता है, और इसकी क्वालिटी सेफ्टी के लिए आप सीलिंग मशीन ले लीजिए, सीलिंग मशीन लेकर के यहाँ पे आप दबा देंगे तो पैक हो जाएगा, इस ढंग से पैक हो गया। अब आपको दोस्तों प्रेस वाले पे जाना है, क्या सब छपवाना है, स्टीकर, स्टीकर पे लिखेंगे हैंडमेड फ्रेश, और उसके बाद जो आप एक नाम चॉइस करेंगे, आप अपने नाम से भी कर सकते हैं, कोई एक अच्छा सा नाम भी चॉइस करके, तो लिख देंगे हैंडमेड फ्रेश, जो आपने नाम रखा वो नाम लिख दीजिए, जैसे फ्री भोग लिखा है तो फ्री भोग लिख दीजिए, फ्री भोग बेसन, श्याम भोग बेसन, जो भी आपको लिखना वो लिख दीजिए, या जो भी नाम आप रखना चाहते हैं। इसका MRP क्या है, इसकी एक्सपायरी क्या है, इसका वेट क्या है, पैकेट वाइज इतना आप लग करके यहाँ स्टिकर चिपका देंगे, इस ढंग से इसको हैंड फ्री कर दें। अब आपके पास 1-1 किलो के दोस्तों जो ज़्यादा बिकता है, 1 किलो में बिकता है, आधा किलो में बिकता है, तो 1 किलो आधा किलो का आपने तैयार कर लिया, अब इसको मार्केट में बेचना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहीं पे आपको फेल नहीं होना है, यहाँ पे बहुत सारी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको हिराफना नहीं है,
तब दोस्तों उसको जा करके आप घर घर भी बेच सकते हैं। अगर इसको आप घर घर बेच रहे हैं तो मार्केट का आपने सर्वे किया है, जो मार्केट में दुकान पे रेट बिक रहा है वहाँ से आप 10-20 रुपए कम बेचेंगे और ये बताएंगे कि ये हैंडमेड फ्री है, इस फ्रेश है, इसमें कोई अगर कमी होती है मैं रिटर्न लूँगा, आपका पैसा तुरंत वापस कर दूँगा। चूँकि इस पर आपको कमांड है, इसका आप मैनुफैक्चरर हैं, इसकी क्वालिटी पर आपको कमांड है, ते आप कमेंट कर सकते हैं। इसको आप दुकानदार को देखिए, जैसे आपने दुकान पर भी रेट ले लिया था कि क्या रेट थोक में मिल रहा है, जो रेट दुकानदार थोक में पा रहा है उससे 2-4 रुपए आप कम दे दीजिए। तो दोस्तों इस ढंग से आप दुकान पे भी दीजिए और घर घर भी बेच करके ये मार्केट का बेसिक नॉलेज ले सकते हैं। ये बेसिक नॉलेज जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही बेसिक नॉलेज आपको आगे अपना बिजनेस बड़ा करने में अहम भूमिका निभाएगा। तो ढंग से दोस्तों अब आपको लागत थोड़ा समझ लेते हैं। आपका हमने जैसे बताया स्टीकर और बेसन और पिसाई सब मिला के आपके 70 रुपए गए, और जो चना जो बेसन 140 में बिक रहा है वो थोक में कम से कम 100-110 में मिलेगा। अब आप दुकानदार को उसको अगर आप 100 में दे रहे हैं या 90 में दे रहे हैं तो भी आप 90 में दे रहे हैं 70 लागत है, 20 रुपए मिल रहा है, 100 में दे रहे हैं तो आपको 30 रुपए मिल रहा है। इस ढंग से दोस्तों आप दे करके अपने बिजनेस को ऐसे बिल्ड कर सकते हैं। अब आपको मार्केट का नॉलेज हो गया, आपको लागत कितना हुई, पैकिंग मटेरियल कहाँ से लेना है, कैसे पैक करना है, कैसे बेचना है, ये सारे नॉलेज हो गए। लेकिन इससे ज़्यादा नॉलेज आपको तब मिलेगा दोस्तों जब ये बिजनेस आप खुद करेंगे, तब आपको हमारे बताने से हम लाख बार बता दें, आप हमारे वीडियो लाख बार देख लीजिए, लेकिन जब आप खुद उतरेंगे इस क्षेत्र में उतरेंगे और दुकानों का सामना करेंगे, ग्राहकों का सामना करेंगे, वहाँ पे आपको एक अलग एक्सपीरियंस होगा, वही जो अलग एक्सपीरियंस होगा वही आपको आगे बढ़ने में आपको काम आएगा। इस ढंग से आपने 5-6 महीने बिजनेस किया, आपको मार्केट का सारा नॉलेज हो गया, जो भी कमियां आई उसको पॉइंट को नोट करते गए, आपने उसको दूर किया। अब आपको लगता है कि बिजनेस हमको पूरा बड़े लेवल पे ले जाना है, तो बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए आपको एक ऑफिस रखना पड़ेगा। ऑफिस आप घर पे भी बना सकते हैं या किसी सिटी का चुनाव करके वहाँ पे भी डाल सकते हैं। अब आपने एक कमरा ले लिया, छोटा या बड़ा कोई हो, अब उसको आपको एक ऑफिस रूप देना पड़ेगा। ऑफिस रूप आप अपने ढंग से उसका डिस्प्ले वगैरह कर सकते हैं। अब ऑफिस रूप में कुछ डिजिटल टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी, जैसे आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है, जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। अब आपका ऑफिस रेडी हो गया, ऑफिस में जो टूल्स की जरूरत है वो रेडी हो गए। अब आपको इसी पे कुछ कागजात लेने पड़ेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं या फिलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके थ्रू ले सकते हैं। अब वो एडवोकेट के थ्रू लेंगे तो अपना कुछ चार्ज आपसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ये दोस्तों फूड प्रोडक्ट होता है, आपको FSI रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि हमको एक ब्रांड नेम देना है और इसी ब्रांड नेम से आपकी पहचान होगी, तो आपको एक नाम जो चॉइस किए हैं और उसका एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा। लोगो दोस्तों अट्रैक्टिव डिजाइन करवाना जिससे आपके इसी लोगो से इस नाम से आपकी पहचान होगी। अब इस लोगो का और नाम का आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ये दोस्तों 10 साल के लिए होता है, 10 साल के बाद रिन्यूअल करवाना पड़ता है। अब आपके लोगो रेडी हो गया, नाम रेडी हो गया, अब आपको लगता है कि आप किसी कंपनी के CEO कहे जाए, कंपनी के MD कहे जाए, तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, OPC, LLP, तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं, ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड का। अब आपको लगता है कि सारे कागजात रेडी हो गए, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, आपके ब्रांड रजिस्टर्ड हो गए, अब आपको इसको पूरे ऑल ओवर इंडिया में फैलाना है। अब इसके लिए 2 माध्यम है, ऑफलाइन और डिजिटल माध्यम। ऑफलाइन माध्यम करने के लिए दोस्तों आपको एजेंसी देना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर फिर देना पड़ेगा, C&F बनाना पड़ेगा, और इन सबको मैनेज करने के लिए एक टीम रेडी करना पड़ेगा, सेल्फ मैनेजर, एरिया मैनेजर, ZSM, RSM, जो ये सब मैनेज करेंगे। अब आपके पास डिजिटल टूल क्या है, आपके पास बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे फ्लिपकार्ट, Amazon और ऐसे सारी बहुत कॉमर्स
ई कॉमर्स कंपनियां हैं उस पर आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं वहां पे लॉग इन आई डी बनाकर। ई कॉमर्स कंपनियों पे अपने प्रोडक्ट कैसे बेचें इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी है, वहां पे देख करके आप वहां पे लॉग इन आई डी करके प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप अपना ऐप लॉन्च करके वहां बेचिए। तो इस ढंग से दोस्तों सरकारी डिजिटल माध्यम ऑफलाइन इन ढंग से आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करिए। आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करने के भी बहुत सारे टूल्स हैं जैसे कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, आप होल्डिंग। जितने आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेंगे उतने आपका प्रोडक्ट दोस्तों बिकता जाएगा, ब्रांड बनता जाएगा। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप टीवी में ऐड करवाइए, किसी एक्टर को हायर करिए, ये सब माध्यम है आपके प्रोडक्ट को बिल्ड करने के लिए। तो दोस्तों इस ढंग से आप छोटी पूंजी से बेसिक नॉलेज लेते हुए अपनी बड़ी पूंजी का, अपनी बड़ी कंपनी की स्थापना कर सकते हैं। जब भी दोस्तों आपको अपना बिजनेस करना हो, लगता है कि हमको और जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, पूछिए, वो जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमारा आपका एक परम कर्तव्य है कि कोई भी अच्छी जानकारी हम जितने भी यार दोस्त हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं, सबके तक पहुंचाना है। ये जानकारी इतना वायरल कर दीजिए दोस्तों कि सब तक ये जानकारी पहुंच जाए और छोटी बिजनेस में अपना बिजनेस की, छोटी पूंजी में अपने बिजनेस की शुरुआत करके अपने कंपनी की स्थापना करें। और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए, हमारा लाइव उत्साह बढ़ाने के लिए आप दोस्तों एक लाइक और एक कमेंट बॉक्स में जाके ओके या थैंक्स तो बनता ही है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। इसी तरह से हम और वीडियो बनाते रहते हैं, या मान के चलिए हफ्ते में 2 से 3 वीडियो हमारी अपलोड होती है, सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। आपने जो अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे साथ हमारे विचारों को सुना, अपने विचारों को शेयर किया, इसके लिए दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।